खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। स्वागत है आपका और इस वक्त आपको एक बड़ी खबर दे दें। यौन शोषण के आरोपों में घिरे पूर्व गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। आज तड़के 4 बजे सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी ने शाहजहांपुर में मौजूद चिन्मयानंद के घर दिव्यधाम को सीज कर दिया है। स्वामी चिन्मयानंद के सोने के लिए केवल एक कमरा छोड़ा गया है। ये एसआईटी की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। इस पूरे मामले में घर जब्त होने के बाद चिन्मयानंद कहां गए इसका पता नहीं चला है। हम सीधे रुख करेंगे बीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, मतलब शिकंजा चिन्मयानंद पर और कसता जा रहा है। जी रोमाना, बिल्कुल, जिस तरह से आज एसआईटी ने कार्रवाई की है, उनका जो आश्रम है उसको सील किया है, उससे ये साफ लग रहा है कि एसआईटी शिकंजा कस रही है। और आपको बता दें कि इसमें एसआईटी शुरू से जब मामले की जांच कर रही थी तो कई दौर की पूछताछ पीड़ित परिवारों से हुई थी और उनका ये कहना था कि हमसे तो पूछताछ कर रहे हैं लेकिन स्वामी चिन्मयानंद जो इस पूरे मामले में आरोपी हैं उनसे पूछताछ नहीं की जा रही थी। एसआईटी का कहना था कि जब हम इनसे पूछताछ कर लेंगे तो एक क्वेश्चनेयर तैयार करेंगे विस्तृत, जिस आधार पर हम चिन्मयानंद से क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे एक के बाद एक। कल चिन्मयानंद से लंबी पूछताछ के बाद में एसआईटी ने कई सवालों के जवाब उनसे मांगे, कई सवाल के जवाब उन्होंने दिए भी और कई नहीं दे पाए। उसके बाद एसआईटी ने आज सुबह जाकर इनका आश्रम सील किया है और बताते हैं कि केवल एक कमरा छोड़ा है जिसमें उनके रहने रुकने इसकी इंतजाम होगी, बाकी पूरा आश्रम इस समय एसआईटी के कब्जे में है। और उसी बगल में जो कॉलेज है जहां पर छात्रा पढ़ती थी उस कॉलेज का हॉस्टल भी सील किया गया है। उस हॉस्टल में एसआईटी का कहना है कि तमाम इस मामले से जुड़े हुए सबूत हैं जिनकी उनको तलाश थी और उस कमरे को भी सील किया गया है। तो इस तरह से साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एसआईटी का शिकंजा चिन्मयानंद पर कस गया है।